हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो फॉर हाई यूट्यूब चैनल। तो हमें भाई आज हम बात करने वाले हैं मोटोरोला मोटो G85 5G के बारे में। ये फोन फाइनली मेरे भाई आ चुकी है। इसकी लॉन्च डेट 16 जुलाई से ये फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको ऑनलाइन ऑन सेल देखने के लिए मिल जाएंगे ऑनलाइन। हाँ मेरे भाई, क्या कुछ इसकी प्राइसिंग निकल के ये फोन हमें लेना चाहिए या फिर नहीं, आपका मैं सारा सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो कंटेक्ट देखना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं मेरे भाई वीडियो स्टार्ट। आओ जाइए, थोड़ी सर्दी तो आवाज थोड़ी अलग आ रही मेरे भाई, तो आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सबसे पहले हम देखते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले। 6.67 इंचेस का है, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। HDR10+ का सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। हाँ, ये भी चीज अच्छी मेरे भाई, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस मेरे भाई। तो आपको आउटडोर भी अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, इनडोर आउटडोर काफी अच्छी ब्राइटनेस डिस्प्ले की देखने के लिए मिलेगी जो प्राइस है उसके हिसाब से। IP52 रेटिंग यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगी मेरे भाई। डॉल्बी एटमोस डुअल स्पीकर का सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। 5000 mAh बैटरी मेरे भाई, 33 W की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में आता है। नो डाउट मेरे भाई बैटरी अडोप्टर में भी अच्छा काम यहाँ पे करा गया। कैमरा सेटअप की बात करूँ, दो कैमरा मेरे भाई, डुअल कैमरा सेटअप है। 50 MP का मेन है, 8 MP अल्ट्रा वाइड, और जो 50 MP का लेंस है मेरे भाई सोनी का LTI-A, यहाँ पे 600 को जैसा लेंस यहाँ पे इन्होंने यूज करा गया। कैमरा क्वालिटी से स्मार्टफोन के आपको काफी दमदार देखने के लिए मिल रही मेरे भाई यहाँ पे, ये चीज काफी सही है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। प्रोसेसर की बात करूँ, प्रोसेसर निकल के आती है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 का, जो 6 nm के ऊपर बेस्ड है। प्रोसेसर इतनी पावरफुल नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, जो प्राइस है उसके हिसाब से आई थिंक अच्छा यहाँ पे काम करा गया मेरे भाई, क्योंकि हम दूसरी चीजें अगर देखें तो यहाँ पे काफी सही चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। कर्व डिस्प्ले है, बेस्ट कैमरा है, हाँ प्राइस के हिसाब से कैमरा में कहूंगा इसका आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। बैटरी अडोप्टर में भी अच्छा काम यहाँ पे करा गया, सैमसंग जैसा नहीं है मेरे भाई अडोप्टर ये दे रहे हैं, तो ये चीज में अप्रिशिएट करेंगे कंपनी को, ये चीज यहाँ पे काफी अच्छी है मेरे भाई। प्राइसिंग की बात करें, 8 GB के रैम, 128 GB स्टोरेज, हाँ मेरे भाई बड़ा आपको रैम स्टोरेज देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, 17,999 रुपये, 18,000 रुपये में कुछ आता है मेरे भाई। अभी बैंक ऑफर्स वगैरह कुछ भी इन्होंने नहीं बताया है, अगर ये 16 जुलाई को बताते ऐसा कुछ तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मेरे तरफ से मेरे भाई डन है, अच्छी स्मार्टफोन में कहूँगा, इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं कहूँगा, बट एक बजट में कर्व डिस्प्ले, डिसेंट कैमरा, डिसेंट परफॉर्मेंस अगर आप ढूंढ रहे हो तो इस फोन को एक बार आप हाईलाइट एक बार जरूर देख सकते हो। इसे आपको मेरी राय किसी लगी प्लीज अपनी राय कमेंट बताना, और आप क्या सोच रहे इस फोन के बारे में वो भी बताना। तो वीडियो अगर सही हो तो मेरे भाई दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, शायद मेरी आवाज बिल्कुल भी सही नहीं निकल। मिलता आपसे साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाई।